इसलिए उनको सह सम्मान यहाँ पर बिठाएं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम है। आगे का लिखा है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, चुनाव की रणभेजी बज चुकी है, चुनाव प्रारंभ हो चुका है और ये युद्ध है, इसको हम युद्ध ही कहें। ये किसी दो पार्टी दो व्यक्ति के बीच का युद्ध नहीं है, ये युद्ध है धर्म और अधर्म का। अब हमें किसका साथ देना है ये हमें निश्चित करना होगा। एक जो आपने सुना होगा रामायण में, काल नेमी मारिच जो होते थे वो कभी भी रूप बदल लेते थे, जैसा समय आता था वैसे रूप बदल लेते थे। अगर कहीं संतों के साथ जाना हो तो संत बन जाते थे, कहीं राक्षस प्रवृत्ति का उनको कोई काम करना था तो वो असली रूप में आ जाते थे। एक ऐसी पार्टी है जो समय आने पर कभी हिंदू बन जाती है, कभी उनके नेता कोर्ट पर जनेऊ धारण कर लेते हैं, मतलब चुनाव के समय जितने भी ढोंग उनको करना है वो करते हैं, कभी गंगा जी पे डुबकी लगाते हैं सिर्फ चुनाव के समय, बाकी समय उनके घर के पास मंदिर वहां भी नहीं जाते वो, लेकिन चुनाव के समय मंदिर मंदिर भटकते हैं वो। ऐसे लोगों को हमको पहचाना है। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी है जो सच्चे भक्त है प्रभु के, आपने देखा होगा चाहे केदारनाथ हो, चाहे काशी हो, चाहे उज्जैन हो, वहां पर जाते हैं और कितना विकास हुआ है ये हम टीवी के माध्यम से देखते हैं। मित्रों, अगर आप कमल के फूल का बटन नहीं दबाते तो ये संभव नहीं था। तो कमल के फूल की बटन हमको इसलिए दबाना है कि हमारा प्रदेश विकसित हो, हमारा देश विकसित हो, और हमारी जो योजना है, हमारी सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो चलती रहे। अगर धोखे से हमने गलत बटन दबा दी तो पूरी योजनाएं बंद हो जाएंगी। आज कांग्रेस का आपने वचन पत्र देखा होगा, पिछले चुनाव में भी हमने उनका वचन पत्र देखा था, कितनी योजनाएं थी। उनके एक बड़े नेता आए थे कि 10 दिन में किसान का कर्जा माफ होगा और 10 तक गिनती लेनी थी, लेकिन हम 15 महीने तक इंतजार करते रहे, उनके 10 दिन नहीं हुए। हुए क्या 10 दिन? उनके नहीं हुए। किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, किसी भी महिला को स्व सहायता समूह किसी का माफ नहीं हुआ, किसी बेरोजगार युवक को 4,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। तो फिर आप फिर वो वचन लेकर आ गए, फिर लेकर आ गए, हम किसान का 5 लाख का कर्जा माफ करेंगे, हम बहनों को इतना देंगे। एक तरफ तो बोलते हैं कि प्रदेश की सरकार पर इतना कर्ज है, शिवराज जी ने देश प्रदेश पर इतना कर्ज कर दिया। अरे तो भैया फिर आप घोषणा करो का जेब से पैसे दोगे क्या? आप सभी लोग यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हैं, 5 लाख हर किसान का जोड़ लेना और जितनी इनके वचन पत्र लिखा था इतना 5 साल का बजट ही नहीं सरकार का होता। क्या कमलनाथ जी जेब से देंगे क्या? ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। लेकिन हमको पहचानना होगा कि हम किसका समर्थन करें। ये रूप बदल बदल कर आपके बीच में आ रहे हैं, झूठ का पुलिंदा लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, कोई वचन पत्र नहीं है, क्योंकि हमने एक बार देख लिया। आज यहाँ पर माता बहने बैठी है, इनको 4-4 किस्त लाड़ी महिला योजना की मिल गई है। तो जो दे रहा है उसका ध्यान रखें, जो कह रहा है उसका विश्वास नहीं करें, क्योंकि शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है कि जो उन्होंने कहा वो किया है। ये कहते हैं घोषणा वीर, अरे घोषणा भी कोई वीर ही कर सकता है, अगर काम करना हो तो पहले घोषणा करना होती है। और आप जाके देखो ना, जहाँ शिवराज जी ने, जहाँ हमारे विधायक जी ने नारियल फोड़ा, वो काम नहीं हुआ होगा, कोई झूठ है क्या? कांग्रेसी बोलते हैं घोषणा वीर कुछ काम नहीं होते, ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हुआ है? क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना घोषणा है क्या? हुआ कि नहीं विवाह? लाडली लक्ष्मी योजना क्या घोषणा है क्या? बच्चियों को स्कूटी दे रहे क्या घोषणा है क्या? ये पूरे लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। अभी हरदा में 67 बेटियों को स्कूटी मिली है, कौन सी घोषणा झूठी है भैया? आप तिवरनी विधानसभा को देख लो विकास के, उसमें जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद ही पूरा विकास हुआ है। इससे पहले विकास नाम की चिड़िया यहाँ कोई पता नहीं था। हम ऐसी पीढ़ी है जिसने सब कुछ देखा है, हमने कच्चे रास्ते भी देखे हैं, स्कूल पैदल भी गए हैं, कहीं से कोई रास्ता नहीं होता था। मैं लोलांगरा का रहने वाला हूं, मुझे सिराली